यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए खबर देखते हैं प्रयागराज, बदायूं, सीतापुर और पीलीभीत से। आज की पहली खबर है जिला प्रयागराज की तहसील कोराव से। यहां बाजार में आवारा पशुओं का आतंक, बीच रोड पर खड़े होकर गंभीर दुर्घटना को दे रहे दावत। जी हां, कोराव के अंतर्गत रतियोरा मार्केट में यह हालात आपको अक्सर मिल जाएंगे। इसी के तहत इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या समूची अपरोध और लापर क्षेत्र में बढ़ गई है, जिससे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। किसानों की खून पसीने से उगाई गई फसल कभी असमय बरसात से तो कभी इन आवारा पशुओं द्वारा नष्ट हो जाती है। इन सब के इतर सरकार गौशालाओं के नाम पर काफी धन खर्च कर रही है, लेकिन ये केवल एक झूठ का पुलिंदा ही दिखाई देता है, जो कि धरातल पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसे जिम्मेदार वे भी हैं जो जानवरों को आवारा छोड़ रहे हैं। अगली खबर जिला बदायूं से है। यहां आज बिलसी विधानसभा के अंबियापुर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी ने तांगा और बैलगाड़ी रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यहां जोरदार नारेबाजी देखने को मिली और जमकर सरकार को कोसा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह, राम बहादुर सिंह कश्यप, जिला महासचिव महेंद्र पाल के निर्देशन में इस प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे। अगली खबर जिला सीतापुर से है, जिसमें लगातार लूट व हत्या की घटनाओं से दहला जनपद। जी हां, बताते चलें कि पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का है, जहां पर दिन दहाड़े साइकिल सवार की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि एक महीने में कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें एक सप्ताह पहले एक डॉक्टर को तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। एक बैंक कर्मी से लूट की गई। वहीं 5 दिन पहले कमला पसंद व्यापारी से गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए गए। लगातार इन मामलों से पूरे जनपद में दहशत का माहौल कायम है। ऐसा लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आज की अंतिम खबर जिला पीलीभीत से है, जिसमें फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। मामला पीलीभीत के गुलड़िया भूप सिंह का है, जहां कुलविंद्र सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह ग्राम सिंभुआ का रहने वाला है। उसका आरोप है कि बिंदर सिंह नाम की फेसबुक आईडी पर उसकी फोटो सहित अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस मामले के बाद उसका परिवार डरा हुआ है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मामले में पुलिस को भी अवगत कराया गया है। आज के यूपी स्पेशल में इतना ही। बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।